खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, इस आरोप की जांच की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने हीरा नंदानी ग्रुप के फायदे के लिए सवाल पूछे। इस पर हीरा नंदानी ग्रुप की सफाई में क्या है और महुआ मोइत्रा क्या सफाई दे रही है, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, काफी गंभीर आरोप लगे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। उन्होंने ये कहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कि महुआ मोइत्रा ने संसद में लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली है। ये काफी गंभीर आरोप है जो कि निशिकांत दुबे ने लगाया है और ये लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें यह कहा गया कि कारोबारी है दर्शन हीरा नंदानी, उनसे रिश्वत लेकर महुआ मोइत्रा ने ये सवाल पूछे हैं और ये वो सवाल हैं जो कि हीरा नंदानी के कारोबारी हित में उनको फायदा पहुंचाते हैं, उसके लिए ये सवाल पूछे गए हैं। और हीरा नंदानी ने के जो प्रतियोगी हैं अदानी ग्रुप, उसके खिलाफ भी महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे हैं, ये आरोप लगाया गया है। उन्होंने पूरी फहरिस्त दी है कि 2019 से लेकर 2023 के बीच 61 सवाल पूछे गए महुआ मोइत्रा की ओर से और इसमें 50 सवाल जो थे लोकसभा में वो हीरा नंदानी के लिए थे। और कैश के बदले सवाल विशेषाधिकार हनन है, ये निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखा है। और जो आप इस तरह से अगर सवाल पूछते हैं तो ये सदन की अवमानना भी होती है और आईपीसी के 120A के तहत ये अपराध भी है, ये बात भी निशिकांत दुबे ने कही है। और उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए, ये लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने अपील की है। और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है जांच कमेटी की, महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया जाए लोकसभा से, ये भी उन्होंने मांग की है। और ये जो पूरी शिकायत है निशिकांत दुबे की, एक वकील हैं जय अनंत देहाद्री, उनकी चिट्ठी के आधार पर निशिकांत दुबे ने ये शिकायत की है। और क्या क्या आरोप हैं एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। वकील अनंत देहाद्री ने जो चिट्ठी लिखी निशिकांत दुबे को, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। इसमें यह कहा गया कि 2021 में दर्शन हीरा नंदानी ने महुआ को 2 करोड़ रुपए दिए थे। और क्यों दिए थे? इंटरनेशनल मीडिया में अदानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर जाके अदानी समूह के खिलाफ डोजियर पहुंचाया था कि क्या क्या आप कर सकते हैं। और अदानी समूह पर महुआ के आरोपों की झलक जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसमें भी दिखाई दी थी। यानी ये मामला केवल देश की राजनीति से सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो षड्यंत्र है उसको भी दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी और अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई सवाल यहाँ पूछे गए हैं लोकसभा में जो महुआ मोइत्रा की ओर से, और ये सवाल हीरा नंदानी समूह के हितों से भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था कई सारे, उसमें हीरा नंदानी ग्रुप को सफलता नहीं मिली थी। और सवाल पूछने के बदले में यह भी आरोप है कि हीरा नंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिया, 2019 का चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिए, ये भी एक गंभीर आरोप इस पर लगाया गया है। और दर्शन हीरा नंदानी ने महंगे आईफोन भी दिए, उन्होंने महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत और साज सज्जा भी कराई है। और महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे, ये आरोप भी लगाया गया। और महुआ ने दर्शन हीरा नंदानी को लोकसभा का अपना जो सांसद के तौर पर अकाउंट है, ऑनलाइन पासवर्ड उसका भी दिया ताकि वो अपनी ओर से सवाल पूछ सके। तो इस लिहाज से सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या फिर दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए, ये भी एक गंभीर आरोप इसमें लगाया गया है। 2019 से 2023 के बीच ये सवाल पूछे गए थे और 61 में से 50 सवाल हीरा नंदानी के कहने पर पूछे गए थे। पारादीप धामरा पोर्ट से तेल और गैस की सप्लाई पर भी सवाल पूछे गए थे, यूरिया सब्सिडी को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि रियल एस्टेट के कारोबार को प्रभावित करते हैं, लेकिन सवाल पूछे गए। और साथ ही आयकर विभाग की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के भी सवाल पूछे गए। वकील अनंत देहाद्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी शिकायत की है। और जो मामला आया है सामने उसको लेकर के बता देते हैं कि चिट्ठी में क्या क्या और भी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कारोबार पर जो कि हीरा नंदानी के कारोबार से जुड़े हुए सवाल हैं, पोर्ट स्टील और यूरिया से जुड़े सवाल पूछे गए हैं और अदानी समूह के खिलाफ भी कई सवाल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में पूछे हैं, ये इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है। दर्शन हीरा नंदानी जिनका नाम बार बार आ रहा है वो कौन है? रियल एस्टेट के कारोबार बड़े कारोबारी हैं निरंजन हीरा नंदानी, उनके बेटे हैं और ये इस ग्रुप के होने वाले CEO भी हैं, तो बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में। और इनकी कहानी क्या है
ये रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, ऊर्जा, शिक्षा और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में कारोबार करते हैं। अदानी समूह को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले इंफ्रा एनर्जी के लिए, इसमें इन्होंने भी बोली लगाई थी लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2014 में अदानी ग्रुप को मिले धामरी पोर्ट के लिए, इन्होंने भी बोली लगाई थी। जनवरी 2023 में आयकर विभाग ने इनके यहाँ तलाशी ली थी। मार्च 2022 में जो विदेश में बेनामी निवेश इनके नाम से किए गए थे उसकी भी जांच की गई थी। तब हीरानंदानी ग्रुप ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने नियमों के मुताबिक ही निवेश किया है। अक्टूबर 2021 में पैंडोरा पेपर्स आए थे, आपको याद होगा, उसमें भी कुछ आरोप लगाए गए थे। उसमें यह आरोप था कि 60 मिलियन के ट्रस्ट का फायदा हीरानंदानी के परिवार को दिया गया और ट्रस्ट का पैसा बेटे दर्शन का है, ये हीरानंदानी ग्रुप ने बाद में अपनी सफाई में कहा था। नवंबर 2017 में पैराडाइज पेपर्स आए थे, उसमें भी इस समूह के ऊपर आरोप लगे थे। तब ये कहा गया था कि पीएफ फ्रॉड केस से पहले बनाई गई थी विदेशी फर्म और ये रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें सारी की सारी सामने आई है। और महुआ मोहित्रा ने इस मुद्दे को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जाँच होनी बाकी है, उनकी जाँच हो तो मैं भी जाँच के लिए तैयार हूँ, ये बात महुआ मोहित्रा की ओर से कही गई है। उधर हीरानंदानी ग्रुप की भी सफाई आई है, उन्होंने ये कहा है कि ये आरोप गलत हैं, हम कारोबार करते हैं, राजनीति नहीं करते, देश की भलाई के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 144 नाम है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से टिकट मिला है और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौरा से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 70 ऐसे नाम हैं जो विधायक हैं। इसके अलावा 47 अगड़े, 39 पिछड़ी जाति और 30 अनुसूचित जनजाति, 22 अनुसूचित जाति से हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। तो पहली सूची जारी हुई है। एमपी में कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, इसमें 30 उम्मीदवारों का नाम है। पहले चरण में 19 नाम दिए गए हैं। पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री जिनको टिकट दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल को पाटन से टिकट मिला है, वो पाटन से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव उम्मीदवार हैं। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र को टिकट दिया गया है। छविंद्र कर्मा को दंतेवाड़ा से टिकट दिया गया है, जबकि विधायक छन्नी शाहू को टिकट नहीं मिला है, उनका टिकट कट गया है। इस बार बघेल सरकार के खिलाफ वो काफी मुखर रहे हैं छन्नी साहू, तो 8 मौजूदा एमएलए को टिकट काट दिया गया है। तेलंगाना की बात करें तो यहां कांग्रेस की पहली लिस्ट में 55 उम्मीदवारों के नाम सामने आए, ज्यादातर उलझी हुई सीट पर नाम तय अभी तक नहीं किए गए हैं। बीआरएस से आए हनुमंत राव को टिकट दिया गया है। हनुमंत राव के बेटे रोहित को भी टिकट दिया गया है, क्योंकि पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा को टिकट मिला है। रेड्डी समुदाय के 14 उम्मीदवार जिन्हें टिकट दिया गया है, 12 ओबीसी हैं और 3 मुस्लिम उम्मीदवार जिनको टिकट मिला है। 6 महिलाओं को भी तेलंगाना से कांग्रेस ने टिकट दिया है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फिर से धमकी दी। यूपी के रामपुर के कारोबारी को धमकी दी है। एक वॉइस नोट भेजकर गोल्डी बरार ने यह धमकी दी। वॉइस नोट के जरिए 2 करोड़ रुपए की मांग इसमें की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर से जबरन वसूली का फोन कैलिफोर्निया में एक्टिव है, जिस फोन से ये वॉइस नोट भेजा गया। गोल्डी बरार ने एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस ने धारा 504 और 507 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक 10 और 12 सितंबर को यह फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य गोल्डी बराड़ बताया था। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेनकर। कैलिफोर्निया में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लगातार एक्टिव है।
वो न केवल पंजाब बल्कि पूरे उत्तरी भारत में अपने पैर पसार रहा है। हाल ही में उसने उत्तर प्रदेश के एक कारोबारी को धमकी भरा फोन किया। पहला फोन उसको 10 सितंबर को आया, जिसमें उसने कहा कि जान है तो जहान है और 2 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद जो कारोबारी है उसको लगा कि किसी ने उसे फर्जी फोन किया है, लेकिन 12 सितंबर को गोल्डी बराड ने उसको दोबारा फोन किया और धमकी दी और साथ में 2 करोड़ रुपए मांगे। इसके साथ में उसने कारोबारी को एक वॉइस नोट भी भेजा है। कारोबारी ने इसकी शिकायत रामपुर पुलिस से की, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। जो ऑडियो गोल्डी बराड़ का है वो ऑडियो हमें मिला है और सुरक्षा एजेंसियों ने कंफर्म किया है कि ये आवाज़ गोल्डी बराड़ की है, हालांकि NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो गोल्डी बराड़ न केवल पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में लगातार बड़े कारोबारियों को धमकियां दे रहा है और जबरन वसूली की मांग कर रहा है। वो लगातार बाहर से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब इस मामले में जो पुलिस है वो जांच कर रही है और अभी तक हालांकि कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन जो लगातार जांच है वो जारी है। गोल्डी बराड़ 2017 में पंजाब से भाग गया था, पंजाब के मुक्तिसर का रहने वाला है और वहाँ से वो भाग गया था। पहले वो कनाडा गया और कनाडा में बैठकर उसने लगातार अपने गैंग को ऑपरेट किया। वहाँ से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था, उसका वो मास्टरमाइंड है और NIA ने भी उस पर इनाम रखा हुआ है। लेकिन जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि गोल्डी बराड़ कनाडा से अब भाग गया है, क्योंकि वहाँ पर उसके राइवल गैंग उसको मारने की फिराक में थे, इसीलिए वो कैलिफोर्निया में है और वहाँ से बैठकर लगातार अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वहाँ से लगातार जो बड़े कारोबारी हैं या जो दूसरे कारोबार में जो बड़े लोग हैं उनको वो लगातार धमकियाँ दे रहा है और जबरन वसूली की मांग कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया है जबरन वसूली का। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन वो लगातार बाहर से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में बनाई गई है। 19 फीट ऊंची इस प्रतिमा का शनिवार को अनावरण किया गया। देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समता की मूर्ति नाम से 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का शनिवार को अमेरिका में अनावरण किया गया। ये प्रतिमा मैरीलैंड के एक ओकीक स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हिस्सा है। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार को ये मूर्ति बनाने का ठेका दिया। उन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। हमने इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की मूर्ति नाम दिया है, क्योंकि हम किसी भेदभाव में यकीन नहीं करते हैं। इस मौके पर भारतीय अमेरिकी लोगों के साथ साथ बाबा साहेब के अनुयायियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबको यकीन है कि ये प्रतिमा दुनिया भर में बाबा साहेब के आदर्शों के प्रसार में अहम साबित होगी। This is a historic moment for many all of the Indian Americans. ये भारत से आए भारतीयों और भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। हमारा मानना है कि ये अमेरिका के सभी लोगों और सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु होगा। Black, Hispanic, all the nationalities. यहाँ पे हम एक वर्ल्ड क्लास का एक मेमोरियल सेंटर बाबा साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि अगले 5 साल में इस काम को हम पूरा कर पाएंगे। मैरीलैंड में स्थापित समता की ये मूर्ति बिल्कुल हैदराबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जैसी है। हैदराबाद में बाबा साहेब की मूर्ति इससे 6.5 गुनी ऊंची यानी 125 फीट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।